हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हम उसे डिफ़ाइन करेंगे। तो ये जो रिलेशंस टॉपिक है, या आप कह लीजिए क्लास 11th का है, या फिर आप इसको पढ़ेंगे BSc थर्ड ईयर में, सेकेंड पेपर का ये टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का। सो चलिए देखते हैं रिलेशंस। सो रिलेशन क्या होता है? सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। मीन्स जो रिलेशन होता है, अगर मैं उसको आर से रिप्रेजेंट करूँ, नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पर जो रिलेशन होगा आर, वो क्या होगा? वो ऑलवेज सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये क्या होगा? हमारा सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो ये है आपका रिलेशन की डेफिनेशन। शॉर्ट में आप कहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को मैंने वर्ड्स में कह दिया कि अ रिलेशन आर From a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। ये क्या है? इसको कहते हैं Cartesian product। ठीक है, A cross B क्या होता है? Cartesian product होता है। इसको निकालना बहुत ईजी है, मैं इसको आपको निकाल के बताती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ए में तीन एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, एंड बी में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। अब हमें निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले ए सेट को लिख लेंगे, क्रॉस बी सेट को लिख लेंगे, और इसका कर देंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे होता है? इसके प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स मीन्स पहले आप 1 को ए से ए के साथ मैप करेंगे, फिर 1 को बी के साथ भी करेंगे, फिर 2 को ए के साथ करेंगे, 2 को बी के साथ, नेक्स्ट 3 को ए के साथ, और 3 को बी के साथ। ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जो आपने ये लिखा है उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये कितने होते हैं? सो ये बहुत इजी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो सेट्स को हमने मल्टीप्लाई किया, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, और ये जनरल मल्टीप्लिकेशन है, इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? जितने आपके ए में हैं, इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 1, 2, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं? 2। तो टोटल कितना हो गया? 3, 2, 6। इसका मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालेंगे उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। आप देख भी सकते हैं, ये 6 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं। सो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन भी हमारा क्या होता है? सेट ए से सेट बी में होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ आपको रिलेशन डिफाइन किया होगा। ठीक है, जैसे आपको बोल सकता है कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन, अभी तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे तो आप देखेंगे, तो वो जो रिलेशन आएगा, वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो उस रिलेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, वो आएंगे हमारे आर में। इसलिए आर क्या होगा? हमेशा इसका ही सबसेट होगा। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। इसके पहले आपको बता दूं डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो
डोमेन आपका वो सेट होता है जहाँ से मैपिंग हो रही है, या फिर आप कहें तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने लिखे हैं इनमें जो ये फर्स्ट वाला ऑर्डिनेट है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा डोमेन ऑफ द रिलेशन। अगर आर का ले रहे हैं हम रिलेशन का, तो वो होगा फर्स्ट वाला, और सेकेंड जो होगा वो आपका रेंज होगा। एंड सेट बी जहाँ पे मैपिंग हो रही है बी पर, वो टोटल आपका कहलाएगा कोडोमेन। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि जो रिलेशन होता है उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। रिलेशंस को दो तरीक़ों से लिखा जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म एंड सेकेंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जो रोस्टर फॉर्म है वो इजी होता है, सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा मुश्किल होता है लिखना, क्योंकि उसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट आपको लिखना होता है नंबर्स। इसलिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दो टाइप्स के रिलेशन आप लिख सकते हैं, एक ही रिलेशन को दो तरह से लिख सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए एंड सेट बी, दोनों ही नॉन एम्प्टी है। ए सेट में 4, 9, 25, ये तीन एलिमेंट्स मैंने ले लिए सेट ए में, और सेट बी में मैं ले रही हूँ 1, 2, -2, -3, इधर 3 ले रही हूँ और ये 5 ले रही हूँ, यहाँ -5। मीन्स आप देख सकते हैं टोटल यहाँ 7 एलिमेंट्स मैंने लिए हैं सेट बी में। अब मैंने मैपिंग कराई है यहाँ पर 2 की 4 के साथ, -2 का भी 4 के साथ मैप किया है, एरो के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर 9 को मैंने 3 से मैप किया है, 9 को -3 से मैप किया है, 25 को 5 के साथ और 25 को -5 के साथ। ये मैंने रिलेशन रिप्रेजेंट किया है आपको आर, ठीक है। आर जो रिलेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है थ्रू एरो। यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले रिलेशन, वो भी दोनों वे में, एक हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले मैं रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिख रही हूँ, क्योंकि वो लिखना ईजी है। कैसे लिखते हैं, पहला आपका 4 ले लिया हमने, 4 ए सेट का एलिमेंट 4 ले लिया, ये किसके साथ मैप कर रहा है, एक 2 के साथ और एक -2 के साथ। तो एक आपका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 4, 2, दूसरा हो जाएगा 4, -2। सेकेंड हम लिखेंगे, सेकेंड एलिमेंट ए सेट का 9 है, 9 किसके साथ मैप कर रहा है, 3 एंड -3 के साथ, तो ये 3 लिख देंगे और 9, -3। अब थर्ड एलिमेंट हमारे सेट ए का है 25 मैप कर रहा है 5 के साथ एंड -5 के साथ, तो ये आ गए हमारा सारे मेंबर्स मैंने रिलेशन के लिख दिए हैं। टोटल यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं रिलेशन आर में, ये कहलाता है रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म। अब मैं लिखती हूँ रिलेशन आर सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है स्टेटमेंट का यूज़ करके रिलेशन को डिस्क्राइब करना है। तो रिलेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लेंगे x, y, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन में, सच दैट x और y कैसे रिलेटेड है। x यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि y का स्क्वायर है, ओके। x इज द स्क्वायर ऑफ y, मैंने ये लिख दिया। इसके साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, y को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर और x को भी। x हमारा a को बिलोंग कर रहा है एंड y हमारा सेट b को बिलोंग कर रहा है, ओके। आप चाहें तो यहाँ पर a और b सेट भी डिस्क्राइब कर दीजिए। a में 3 एलिमेंट्स हैं 4, 9, 25, b सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ओके। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन।
ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जहाँ पे मैंने स्टेटमेंट का यूज़ किया है। क्या स्टेटमेंट लिखी है? इसका लिखना बहुत आसान है, आप सीधा रोस्टर फॉर्म लिखिए फिर उसको जज करिए। इसमें आप देख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। सो जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर में वो सेकेंड का स्क्वायर है, तो मैंने वही लिखा। सिंपल है, डोमेन ये होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर में जो मैप करते हैं इस तरफ, वो एलिमेंट्स ए सेट के आपको लेना है डोमेन में। ए सेट के वो एलिमेंट्स जो कि मैप कर रहे हैं बी के एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए में और तीनों ही मैप कर रहे हैं, इसका मतलब डोमेन हमारा पूरा होगा 4, 9, 25। एक ये तरीका है डायग्राम से बताने का, पिक्टोरियल। और सेकेंड तरीका क्या है, आप लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में ये जो फर्स्ट ऑर्डिनेट है इस ऑर्डर्ड पेयर्स में 4, 4, 9, 9, 25, 25, यही हमारा डोमेन बनाएगा। जो रिपीट हो रहे हैं टर्म्स उनको एक बार लिख लेना है। सेकेंड आता है रेंज। रेंज क्या होता है? रिलेशन आर का। तो रेंज में हमारे वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि इस ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकेंड नंबर पे हैं। देखिए 4 के साथ क्या है, 2 माइनस 2, यहाँ लिख देती हूँ मैं 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5। तो ये हमारा रेंज कहलाएगा रिलेशन आर का। इसको आप इसके थ्रू भी लिख सकते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी। बी सेट के जो भी मेंबर्स यहाँ मैपिंग कर रहे हैं, मींस जिनकी प्री इमेज यहाँ है, वही आपके होंगे रेंज। अब बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन वो सेट है जो आपका इस तरफ जिसके साथ मैपिंग हो रही है, मतलब पूरा सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी आपका कोडोमेन कहलाएगा। चाहे इसके कुछ एलिमेंट्स मैप करें चाहे ना करें, पूरा सेट बी कोडोमेन होगा। अगर इसको आप लिखें तो ये होगा 5, 3, 2, 1, -2, -3, -5। इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे सेट बी के, वो होगा हमारा कोडोमेन। तो कोडोमेन हमेशा ये सेट होता है बी सेट, और रेंज और डोमेन जो होता है वो आप इससे निकाल सकते।